मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे विकास सरकार को लाना चाहिए, इतना पानी है यहाँ नाव चलाना चाहिए, यहाँ के जनता को सुविधा देना चाहिए। आप समझ सकते हैं, देखिए मेरे कमर से ऊपर होने वाला है, हो रहा है पानी, और आगे तो बाकी ही है, आपको आगे का व्यू भी दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप पूरे डूब चुके हैं, इस एरिया को आप देख सकते हैं पूरा डूबा हुआ है, और हम देख सकते हैं पूरा डूब चुके हैं। आप जिस जगह की आपको बात कर रहे थे वो जगह में आ चुके हैं, पूरा डूब चुके हैं। अभी आने आप देख सकते हैं पूरा डूब चुके हैं हम, और बहुत दिक्कत हो रही है। और ठीक है रखते हैं भैया, देख सकते हैं पूरा जगह, आप देख सकते हैं इस लड़का को पूरा डूब चुका है, वहीं पे हम भी हैं, देखिए डूब चुके हैं। वेरी डेंजरस, ये एरिया सबसे ज़्यादा डेंजर है, इसको हम आप सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि अब नाव चला दिया जाए, जब तक नाव नहीं चलेगा हम लोग को सुविधा नहीं मिल पाएगा। आइए देखिए छोटा सा मंदिर है, जय श्री राम, देखिए हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, ये पूरा आधा डूब चुका है मंदिर, देख सकते हैं यहाँ खद्दा भी है, डूबते डूबते बचे हैं, देख सकते हैं फिर भी चल रहे हैं जैसे चलना होता है। देख सकते हैं पानी का स्तर बहुत भर चुका है, सीना तक पानी आ चुका है। यहाँ हम सरकार से यही निवेदन करेंगे यहाँ अब नाव चला दिया जाए, जब तक यहाँ नाव चलाया नहीं जाएगा यहाँ के जनता खुश नहीं होंगे, यहाँ नाव चलवा देना चाहिए। अब पानी का स्तर जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, चलिए तुलसी टोल का बांध आ चुका है, और थोड़ा पानी का स्तर अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है, फिर भी अभी भी डांड तक पानी है, जिसको आप कमर बोलते हैं वहाँ तक अभी पानी है। निवेदन करते हैं पानी नाव चला देना चाहिए, बहुत परेशानियों के साथ हमको गुजरना पड़ रहा है, यहाँ के सभी पब्लिक को गुजरना पड़ रहा है। धन्यवाद, जय श्री राम। पानी का स्तर अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है ख़त्म होने में, आगे बांध भी है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।